गाइस अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, माय नेम इज़ ईशान एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अरीना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा रिव्यू Xiaomi मी मैक्स 3 का। इस फ़ोन को मैंने यूज़ किया है अराउंड 15 से 20 दिन और मैं शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस फ़ोन के साथ, इस फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी कितनी चलती है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, काइंडली कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए करते हैं Xiaomi मी मैक्स 3 का एक छोटा सा रिव्यू। फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन की प्राइस की। पाकिस्तान में इस फ़ोन को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में इस फ़ोन की प्राइस अराउंड रखी जाएगी 35,000 से थोड़ा सा नीचे की तरफ। अगर 32-33 की प्राइस में आता है Xiaomi मी मैक्स 3 तो ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन की। तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ओरियो दिया गया है और उसके साथ दिया गया है Xiaomi का अपना स्किन MIUI और MIUI अपडेटेड है इस फ़ोन का 10 पे। बात करेंगे इस स्क्रीन की तो यहाँ पर दिया गया है 6.9 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। जो पैनल लगाया गया है वो है IPS और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1080x2160 पिक्सल्स। 350 PPI डेंसिटी है और जो स्क्रीन है वो है 18:9 एस्पेक्ट रेशो वाली। फ्रेंड, अगर इस स्क्रीन की बात करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त व्यूइंग एंगल देती है हमें और कहीं से भी आप इस डिवाइस को देख लें आपको कहीं से भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप धूप में इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं और मैं प्ले करता हूँ एक वीडियो आपके लिए और देखते हैं वहाँ पर इस फ़ोन का रिज़ल्ट रहता है कैसा। तो ये आ गई इमरान नज़ीर की एक वीडियो, क्रिकेट में शानदार वापसी के बाद इमरान नज़ीर ने पता नहीं क्या किया, चला गया वो और यहाँ पर कर रहा है प्रॉब्लम वाईफाई और वीडियो हो रही है लोड। तो दिखाने का मकसद आपको ये था कि ये स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करती है इस डिवाइस को। वेल, बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। इस फ़ोन में लगाया गया स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर, जो GPU दिए गए वो है एड्रीनो का 509 और रैम दी गई है 4GB की। 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है। आप इस फ़ोन में एक सिम लगा सकते हैं या बैक वक्त दो सिमें लगा सकते हैं या वन टाइम एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाएगी तो मैं इस फ़ोन को कॉल करता हूँ जाइंट। ये फ़ोन अपनी परफॉर्मेंस में भी किसी से पीछे नहीं है। मैंने इस डिवाइस के बहुत सारे स्पीड टेस्ट कंपेरिजन किए, गेमिंग इसका जो है वो रिव्यू किया, वहाँ पर भी मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। इसका रिस्पांस जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा है, कहीं पर लैगिंग आपको शो नहीं होती। इवन कि आप मल्टीटास्किंग भी करते हैं तब भी ये फ़ोन आपको लैगिंग कहीं पर शो नहीं करेगा। वेल, अगर बात करेंगे इस फ़ोन में लगे हुए सेंसर्स की तो यहाँ पर वो सारे सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पर मिलता है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप, कंपास, लाइट एम्बियंट सेंसर, तो आजकल सभी फ़ोन में आता है। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए भी है जो VR यूज़ करने के शौकीन हैं और इतनी बड़ी स्क्रीन है तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है जो लोग इसे यूज़ करेंगे। मैं इस फ़ोन के साथ रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी क्योंकि ये ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। अब आते हैं इसके कैमरास की तरफ। इस फ़ोन के बैक के ऊपर दिया गया है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें एक कैमरा है 12 मेगापिक्सल का जिसका f/aperture 1.9 है, उसके साथ है डुअल LED फ्लैश और नीचे वाला कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा जो कि आपको प्रोवाइड करता है ब्लर वाले इमेजेस। और फ्रंट पर यहाँ दिया गया है 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा जो है f/aperture 2.0। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस फ़ोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और इसकी कैमरा क्वालिटी से हूँ मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ आपके साथ इसकी डे लाइट कंडीशन में पिक्चर्स को। ये पिक्चर मैंने कैप्चर की है डे लाइट कंडीशन में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार इसके कैमरे परफॉर्मेंस से। बहुत ज़बरदस्ती पिक्चर है ये, कलर जो हैं वो बहुत नेचुरल हैं, ब्राइट हैं, पिक्चर में शार्पनेस जो है वो बहुत अच्छी है और ये एक परफेक्ट इमेज है। इसी के साथ ये पिक्चर भी इसके बैक कैमरे से कैप्चर की है डे लाइट कंडीशन में नॉर्मल मूड में और ये भी नेचुरल कलर हैं। यहाँ पर पिक्चर बहुत ब्राइट है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, शार्पनेस बहुत अच्छी है। ये पिक्चर मैंने कैप्चर की है इसके बैक कैमरा के पोर्ट्रेट मूड में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बहुत हद तक क्लियर है, एजेस जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर हैं और ये आपको प्रोवाइड करता है नेचुरल ब्लर बैकग्राउंड। इसी तरीके से ये पिक्चर भी कैप्चर की गई है
इसके बैक कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत हद तक है क्लियर और बैकग्राउंड है बहुत हद तक नेचुरल ब्लर। तो मैं बहुत वो यार बहुत सरप्राइज हूँ, बहुत इंप्रेस हूँ इस फ़ोन के कैमरा से। और ये मैंने पिक्चर की थी मेरे और मेरे दोस्त के साथ कैप्चर, और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट है बहुत ज़बरदस्त सा। और ये भी इसके फ्रंट कैमरा से ली गई एक नॉर्मल मोड में पिक्चर कैप्चर है। मैं बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ इस फ़ोन के कैमराज़ की, तो वाकई यार इसके कैमराज जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये पिक्चर ली है इसके फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड से, एजिस यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कैप्चर किए हैं इस फ़ोन ने, और ये आपको प्रोवाइड करता है नेचुरल ब्लर। इसी तरीके से ये पिक्चर भी कैप्चर की गई है इसके फ्रंट पोर्ट्रेट मोड से, यहाँ पर भी एजिस जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर हैं और बैकग्राउंड जो है वो है नेचुरल ब्लर। और अब आते हैं लो लाइट सेल्फीज़ की तरफ। ये मैंने कैप्चर की थी रात में और तकरीबन ये 2:30 बजे का टाइम था, और ये है पोर्ट्रेट मोड में ली गई लो लाइट में एक सेल्फ़ी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लो लाइट में इस फ़ोन का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एजिस को जो है वो क्लियर किया है, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया है और बैकग्राउंड है नेचुरल ब्लर। और ये पिक्चर इसकी भी क्या बात है यार, क्या ज़बरदस्त जो है वो फोटोग्राफी है मी मैक्स 3 की। यहाँ पर ये पिक्चर भी मैंने ली है पोर्ट्रेट मोड में, एजिस बहुत हद तक यहाँ पर क्लियर हैं, फोकस है मेरा फेस और बैकग्राउंड है ब्लर। इसी तरीके से ये भी लो लाइट में कैप्चर की गई है नॉर्मल मोड से, एक है सेल्फ़ी और ये भी है बहुत ज़बरदस्ती। तो ओवरऑल मैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस से हूँ बहुत ही खुश। गेमिंग मैंने इस फ़ोन में की है और गेमिंग रिव्यू भी मौजूद है मेरे चैनल पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसकी अनबॉक्सिंग की और उस गेमिंग रिव्यू का लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इस फ़ोन की बैटरी की तरफ। यहाँ पर लगाई गई है 5500 mAh की बैटरी, और ये बैटरी है वाकई जाइंट। चार्ज होने में ये तकरीबन लेती है 2.5 से 3 घंटे, चार्जर इसका करता है फास्ट चार्ज इस बैटरी को, और अगर आप हैवी यूज़र भी हैं तब भी आप 1 से 1.5 दिन निकाल सकते हैं इस बैटरी के साथ, और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो ये बैटरी आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है। फिंगरप्रिंट की बात की जाएगी तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका है बहुत तेज़, बहुत रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आप टच करते हैं, मैंने तो अभी खैर फिंगरप्रिंट अभी प्रोटेक्शन नहीं लगाया हुआ, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे यहाँ पर ये कर देता है अनलॉक्ड इस फ़ोन को। और मेरी जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है उसमें मैंने टेस्ट किया है फिंगरप्रिंट को। फेस अनलॉक की प्रोटेक्शन दी गई है इस फ़ोन में, और इसका फेस अनलॉक भी बहुत ज़बरदस्त करता है काम, और उस चीज़ को भी मैंने ट्राई किया है। तो ये फ़ोन है मेरी नज़र में एक ओवरऑल पैकेज। तो यार मैं अभी एक चीज़ आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि मैं जो रिव्यूज़ वगैरह बनाता हूँ तो मेरी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं होती, बहुत एनिमेशन वगैरह नहीं होती, और मैं अभी फ्रंट पर नहीं आता, तो ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें करूँगा यार, टाइम होता है मेरे पास शॉर्ट। कोशिश मेरी ये होती है कि थोड़ा सा ही सही, जैसे भी सही, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। और बहुत सारे लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मुझे रिक्वेस्ट देते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत काबिले कदर चीज़ है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लोगों का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अलॉट फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।